लो फिर से आ चुका है एक नया ट्रेलर, चलो इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। अकेली मूवी का आ चुका है ट्रेलर 2 मिनट 20 सेकंड का और इसमें लीड रोल कर रही है नुसरत मैम। तो कैसा ये ट्रेलर, आइए बात करते हैं। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं तेरा मेरा रिव्यू चैनल। देखो जब मैंने ट्रेलर देखा तो साफ अंदाजा लग रहा है कि ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी होने वाली है, कि कैसे एक लड़की 2014 के अंदर इराक जाती है जॉब के चक्कर में, पर वहाँ लगभग वॉर छिड़ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर सभी काम करने वाली लड़कियों को कैदी बना लिया जाता है, इंक्लूडेड उस पंजाब की लड़की को भी। अब वो लड़कियाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं और उनमें से कौन सी लड़की बच के आ पाती है और इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन सिटीजन को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है, वही सब हमें मूवी में दिखाया जाएगा। ट्रेलर देख के तो यही साफ समझ में आ रहा है, पर ट्रेलर देख कर ये भी समझ आ रहा है कि स्टोरी का मेन ट्विस्ट छुपाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है ट्रेलर के अंदर छुपाने का भी, नहीं तो मूवी देखने हम क्यों जाएंगे और मूवी में मजा भी नहीं बचेगा। बात करें कॉन्सेप्ट की तो ऐसे ही कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखे हुए हैं, चाहे वो अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी देख लो वो भी एक सर्वाइवल के ऊपर है, या केरला मूवी देख लो वो भी एक सर्वाइवल के ही ऊपर है। तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा, पर हाँ मूवी के अंदर कुछ अलग है इस बात की झलक साफ समझ में आ रही है, क्योंकि मूवी का टाइटल ही अकेली है। अकेली का मतलब शायद हो सकता है ये अकेली पंजाब की ही लड़की बचे जो इंडिया में वापिस आ पाए, इसलिए शायद इसका टाइटल नाम भी अकेली रखा गया है। खैर वो सब बातें तो क्लियर हो जाएंगी जब हम इस मूवी को देखेंगे। बात करें मूवी की बजट की तो ये मूवी करीबन 15 करोड़ की बन रही है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन ये रिलीज होगी यानी 18 अगस्त को, उसी दिन हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से भी एक मूवी रिलीज हो रही है ब्लू बीटल नाम से, जो एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है। अब देखो दोनों मूवी मुझे तो अच्छी लग रही है, एक तरफ है सर्वाइवल मूवी, एक तरफ है सुपर हीरो मूवी, यानी एक तरफ है हॉलीवुड और एक तरफ है बॉलीवुड। इसका मतलब एक तरफ है बाहर वाली, एक तरफ है घर वाली, तो ये धर्म संकट पड़ गया कौन सी पहले देखे। अब आप फैसला कीजिए आप कौन सी मूवी पहले देखेंगे 18 अगस्त को, और कमेंट्स में भी बताना। पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने इस चैनल के कम्युनिटी ग्रुप में एक पोस्ट डाला था कि आप 11 अगस्त को कौन सी पहले मूवी देखेंगे, OMG 2 या गदर 2। उनमें से ज्यादातर लोगों ने गदर 2 को सिलेक्ट किया, तो जाहिर है मेरी ऑडियंस जब उसे देखना चाहती है तो उसका रिव्यू मेरे लिए लाना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसकी टिकट बुक कर ली है। अगर आप में से कोई मेरे साथ इस मूवी का एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो इस टिकट पर लोकेशन लिखी हुई है, आप उस थिएटर को बुक कर सकते हैं और सुबह का 9 बजे का शो भी बुक कर सकते हैं और मेरे साथ इस मूवी का मजा ले सकते हैं। तो जो भी आना चाहे उसका वेलकम है, मेरे साथ आइए एक्सपीरियंस लीजिए इस मूवी का और मिलकर फन करते हैं उस दिन। बाकी अगर आपने अकेली मूवी का ट्रेलर नहीं देखा अभी तक तो जाके देख लो और कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।